ये एक मुरब्बा तकरीबन है, एक मुरब्बा ये रकबा है तकरीबन एक मुरब्बा। सब 2 लाख इसकी डिमांड है। सामने बैठ के तो फिर हो सकता है कुछ और भी कम हो जाए। नूरपुर से कितना है? 12-13 किलोमीटर। नूरपुर से तकरीबन 12-13 किलोमीटर पूरा एक मुरब्बा है। नूरपुर थल से 20 एकड़ का है। अगर कोई पूरा मुरब्बा करना चाहे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके कागजात कैसे हैं? कंप्यूटर इंतकाल है। अच्छा, कंप्यूटर इंतकाल है। 3 भाई माले। यहाँ पे भी वो ड्रिप सिस्टम लग सकता है? लग सकता है यहाँ, ये तो बहुत अच्छी जगह है। 3 भाई माले क्या? हाँ, ये रास्ता सरकारी रास्ता है। जमाली से बबूल, बहुत बबूल पर जाता है। जमाली से बबूल, ठीक है, ये जो रास्ता है जमाली से। अच्छा, कंप्यूटर इंतकाल है, 3 भाइयों के नाम पे है। अच्छा, रास्ता दे थोड़ा मौसम। ये अभी सफेदा लेके जा रहे हैं, ये 35 रुपये फी बूटा लगाते हैं 35 रुपये, और 4 महीने तक जो इसकी ये बिल्कुल ख्याल करते हैं, तैयार करके देते हैं। तकरीबन 4-4, 5-5 फुट जब तैयार हो जाता है। ये एक लेबर है, अभी जैसे कि जा रहे हैं ट्रैक्टर पर, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये लोग 35 रुपये का फी सफेदा, एक सफेदा लगाते हैं 35 रुपये का, तो उसकी ये बाकायदा हिफाजत करते हैं 4 महीने, उसकी देखभाल करते हैं, फिर ये तैयार करके सफेदा देते हैं। मतलब यहाँ की जो लेबरें हैं, लेबर कह रहे हैं, मजदूर हैं, मेहनती लोग हैं, तो इन ठेकेदार हैं, इनमें बाकायदा ठेका लेते हैं। तो यहाँ पे ड्रिप सिस्टम भी चल सकता है, ड्रिप सिस्टम भी आप लगा सकते हैं। जैसा कि पहले हमने आपको बताया है कि तकरीबन 5 लाख रुपये 5 एकड़ पर ख़र्चा है, फी एकड़ 1 लाख रुपये ख़र्चा है ड्रिप सिस्टम का। उसके साथ अगर आप सोलर सिस्टम लगाएंगे तो उसका भी खर्चा है, यानी कि सोलर सिस्टम में तो बिल्कुल फ्री होगा ना काम, वहाँ पे तो कोई ना डीज़ल का खर्चा है ना बिजली का खर्चा है। बीस एकड़ यहाँ पे इकट्ठी है, और अगर कोई आदमी ज़्यादा लेना चाहे तो ज़्यादा भी मिल सकती है। छोले की फसल होती है, गुआरे की फसल होती है, ये आम फसलें जो बरानी ऐसे रकबा पड़ा है। आप कोई मेहनत ना करें, बिल्कुल कुछ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ इसमें छोला काश कर लें या गुआरा, 2 फसलें होती हैं छोले की और गुआरे की। ये अल्लाह पाक बरानी रहमत नाजिल करते हैं, फिर उसी से हो जाता है। मतलब है कि यहाँ पे बीज वगैरह डाल के उसके ऊपर 2 और सी ला लेते हैं, लगा लेते हैं ट्रैक्टर से। बरानी रकबे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं पसमानदा हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास इतना जो है वसाइल नहीं है। अभी वो सामने उन्होंने लगाया हुआ है पीटर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इन्होंने पीटर लगाया हुआ है 100 फुट पे, ये है ना 100 फुट पे, 100 फुट पे ये पीटर लगता है यहाँ पे, मतलब बोर होता है 100 फुट का बोर होता है। तो नूरपुर से यहाँ तक को तकरीबन 13-14 किलोमीटर सफ़र है,
पहले पक्का सफ़र है तकरीबन 7 किलोमीटर और 7 किलोमीटर और कर लें जो बाकी है, 7 किलोमीटर ये है और 7 किलोमीटर और है। ठीक है, 2 लाख रुपए इसकी डिमांड है, 2 लाख रुपए इस रकबे की डिमांड है, 2 लाख रुपए। और हो सकता है कुछ कम भी हो जाए सामने बैठ के। कंप्यूटर इंतकाल है इसका, कंप्यूटर इंतकाल। ये सामने उन्होंने अपना जानवर वगैरह भी रखे हुए हैं, हीटर लगाए हुए हैं, उस तरफ डेरा वगैरह भी है। हम तो हर जगह पे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत करते हैं, कोशिश ये होती है कि जितने सुनने वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, उनको साफ सुथरी जगह लेकर दें जिसमें कोई रोला गोला ना हो, दड़े बनने का कोई उसमें मसला ना हो। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि थल पे जो आप रकबा लेंगे तो इसकी बाउंड्री लाजमी लगाएं, यानी कि इसकी वो अगर नहीं लगा सकते तो बुतियाँ जो होती हैं सीमेंट के गाडर मिलते हैं वो कोनों पे लगाते जाएं, जो कोने होते हैं ना उन कोनों पे सीमेंट के गाडर लगाते जाएं, ताकि पक्की जो है ना आपकी वो निशानी बन जाए, उसके ऊपर रंग कर दें, सुरख कर दें, सब्ज़ कर दें, अपनी एक निशानी लगा लें। ये मैं मशवरा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी हम आदमी लेके आते हैं, इशारा करते हैं वहाँ तक वहाँ तक वहाँ तक, ऐसे हमें समझ नहीं आती। जब यह हमारा सौदा हो जाता है और हम फीते से इसको कछाई करते हैं, अभी हमने आपको बताया कि करम का हिसाब है, करम करम जो होता है 5.5 फुट का होता है, 1 करम 5.5 फुट का 1 करम होता है, 5.5 फुट का 1 करम होता है, और 36 ज़रब 40 1 एकड़ का जो है ना तो मैश है, 36 ज़रब 40 1 एकड़ की मैश है। तो मैं आपको समझा ये रहा था कि जगह भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, यहाँ पे ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं, और ये जो टीले वगैरह हैं ना इसमें टीले, अगर आप इनको हमवार नहीं करना चाहते तो इस पर खर्च मत करें, यही टीलों पर आप ड्रिप सिस्टम लगा लें, टीलों पर ही। जब टीलों पर आप ड्रिप सिस्टम लगाएंगे तो कोई मसला ही नहीं है, जहाँ पर आप जो कुछ काश करना चाहें, बाग लगाएँ, किन्नू का लगाएँ, अमरूद का लगाएँ। यहाँ पे एक आदमी ने जैतून के भी पौधे लगाए हुए थे, वो पहले हमने एक वीडियो दिखाई थी उसमें जैतून के पौधे लगाए हुए थे, मतलब मुख्तलिफ सब कुछ होता है, खर्चे पे होता है। इन लोगों के पास कोई सूरत हाल पैसे नहीं है, इनके पास गरीब लोग हैं बस, जो इन्हीं पर इंसार है इनका, जो छोटी मोटी फसल हो जाती है, मिसाल के तौर पर जो हो जाता है क्या नाम है इसका, छोले की फसल हो गई या गोरे की फसल हो गई, जितनी हो गई। अब यहाँ पे छोला जो है ना 100 किलो की जी बोरी है छोले की, वो तकरीबन 10,000 में फरोख्त होती है, 10,000 में। ठीक है जी, मैं हूँ अल फैसल प्रॉपर्टी सर्विस की तरफ से फैसल खान, अल्लाह हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़।